अमेरिका जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। क्या करोगे उन्हें मार के, क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफा मारना उनको। स्कूल गए? हाँ गया। कितने क्लास पढ़ी है, कितने जमाते पढ़ी है? चार। चार जमाते पढ़ी है। अब उम्र कितनी है आपकी? 19 साल है। अब 19 साल है, इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा, मैथ्स का कोई आता है कि मैथ्स भी नहीं पढ़ाया जाता मदरसा? जो चार क्लास है मैंने वो नहीं, मदरसे में दुनिया भी पढ़ाया जाता। सिर्फ कुरान पाक पढ़ते हैं आप? सिर्फ। उसके अलावा जहाद जो है इसकी बड़ी अहमियत है, इस्लाम का बड़ा अहम रुकन है, इससे मुसलमानों ने बड़ी फतवाहत हासिल की है। क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, वो एक तरफ काफिर है, मुशरिक है, तो दूसरी तरफ मुसलमान है। जब मुसलमान को मुशरक की बात या इंडिया की बात करेंगे ऑटोमेटिक दुश्मनी वाली बात आती है, क्योंकि हमसे बुग्ध रखते हैं। शुरू से ही हमें ये बात पढ़ाई गई है, किताबों में भी, स्कूलों में, बड़ों ने सारा यही बताया कि इंडिया हमारे बहुत बड़े दुश्मनों में से है। इंडिया के नीचे या अमेरिका के नीचे जितना हम लोगों ने रहना था रह लिया, ठीक है। अब आइंदा हम इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे, इसराइल के नीचे से भी निकलेंगे, इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे। आइंदा जो हमारा रिलेशनशिप होगा वो या चीन के साथ या रूस के साथ। जय दोस्तों, देखिए भाई, आज तक आप लोग पाकिस्तान का जो मजाक उड़ाते आए हो उसकी आज असलियत पता लग गई है भाई। आप आज के बाद भाई मैं तो इनको कुछ कहूंगा नहीं। आप लोग वीडियो में देखिए, इनको तो भाई ये तो बहुत ज्यादा मासूम है, इनको तो कुछ बेचारों को पता ही नहीं है। जो मदरसे में पढ़ते हैं ना, मोस्टली पाकिस्तान में मदरसे में पढ़ते हैं, वो देखिए क्या कुछ वहां पर सीखते हैं बेचारे। वो क्या करें, उनकी तो गलती नहीं है भाई। जैसा उनके भाई मिंडक का दिमाग उनका वहां डाला जाता है वैसे ही बोलेंगे। तो वीडियो देखिए आप लोग, क्या वीडियो के बाद फिर से बात करेंगे इनके बारे में। मदरसे में पढ़ता हूँ, मदरसा स्टूडेंट, वाह क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक मर्द को एक औरत जितने राइट्स मिलने चाहिए या नहीं? अब इंग्लिश में बात करें वो तो मुझे समझ नहीं। अच्छा इंग्लिश में बात करनी, सॉरी 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 सॉरी, एक औरत और एक मर्द को एक जितने हकूक मिलने चाहिए या नहीं? मैं नहीं बताऊंगा। मतलब इस्लाम में तो यही है ना, औरत का बाहर घर से निकलना मना है। हाँ। अगर वो निकलती वो पर्दे में बाहर आए। अच्छा। और दूसरी बात ये भी है, मतलब अगर औरत की गैर महरम के मतलब कानों में आवाज़ पड़ना वो भी जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। मतलब अभी मेरी आवाज़ आपके कानों में पड़ी है तो ये नाजायज़ है? ये इस्लामी तौर पे नाजायज़ है और गुनाह भी मुझे मिल रहा है। हाँ, ये और मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना हुआ, इसका भी बहुत गुनाह है। ये भी गलत है। हाँ। लेकिन अब तो माशरा देखिए बड़ा मॉडर्न हो रहा है, विमेंस पैंट शर्ट्स पहन रही है, को एजुकेशन में पढ़ी है, मीडिया पे काम कर रही है, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो उनके बारे में क्या कहोगे? अब जितना मर्जी मतलब इंसान आगे चले, जो हमारा दीन उसको तो बंदा फॉलो करे ना, दीन को फॉलो करें। आप मदरसा स्टूडेंट हैं, मदरसे में जितने भी मौलाना होते हैं वो क्या आपको टीच करते हैं? आप यूथ हो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, आपको विमेंस को लेके क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पर? यही चीज़ें, मतलब जो गलत है वो गलत है, जो सही है गलत है। आपका विजन क्या है विमेंस को लेके इन पाकिस्तान? अभी बात अच्छा समझिए, मैं कह रही हूँ बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं कह रही हूँ कि आपको मौलाना जो हैं आपके मदरसे के मौलाना क्या सिखाते हैं कि औरतों को इस मुल्क के अंदर कैसे रखा जाना चाहिए? मतलब जैसे कि हमारे मतलब सहाबों ने और नबियों ने कहा उसी तरीके से रखना चाहिए। ठीक है। हाँ तो वो कैसा तरीका बताओ ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, उन्हें क्या पता चलेगा इस्लाम की आइडियोलॉजी क्या है, इस्लाम विमेंस को कैसे ट्रीट करता है? बहुत से लोग हैं चैनल देखते हैं, उनको बताओ ना कि इस्लाम विमेंस को कहाँ पे रखता है और कितने राइट्स हैं, और आज के ज़माने में क्या जो विमेंस है वो इस्लाम को फॉलो करती दिखाई दे रही है? आप लोग मौलाना हो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आपके यहाँ के बगैर मुल्क में कोई बिल पास नहीं होता, क्या कहोगे? ये तो हमने नहीं दिया, तो आपने बताना ना। आप खुद अगर सेट पे सही आएंगे तो ये बाकी सब खुद सही हो जाएंगे। मतलब मैं पहले सही हो जाऊँ, आपको देख के तो फॉलो करेंगे ना। अगर आपने नहीं दुपट्टा ऊपर लेना, जब आपने पूरा मतलब नई निज़ाम सही करना, तो बाकी सब कैसे करेंगे? सही बात है कि इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है, कैसा मुल्क है? बुरा बुरा आता है। बुरा आता है क्यों? नहीं सही है मुल्क बोला। क्यों नहीं सही, क्या बुराई है इंडिया में? नहीं सही है, वैसे हमारी उनके साथ बनती भी नहीं है, इसीलिए नहीं बनती। वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। अच्छा। नहीं बनती उनके साथ। ये आपको किसने कहा? खुद ही ज़हन में आया। खुद ही ज़हन में आया। अच्छा कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। क्या करोगे उन्हें मार के, क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफा मारना है उनको। क्यों मारना है, क्या किया, क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया वाले सही नहीं है हमारे देश में। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इंडिया वाले सही नहीं है। क्यों सही नहीं है ये तो पूछ रही हूँ। नहीं सही है हमारी उनके साथ बनती नहीं है ना, कुछ हमारे लगते हैं। अच्छा, वो इतने मुसलमान तो इंडिया में रहते हैं, वो तो हमारे कुछ लगते हैं ना? मुसलमान तो हमारे कुछ लगते हैं, हिंदू नहीं लगते। अच्छा, ये आपको किसने कहा कि हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। किसने सिखाया ये, किसने बताया? डिजाइन में। अच्छा मुझे ये बताओ कि बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। बड़े होके फौजी बनोगे, और फौजी बन के क्या करोगे? उनको इंडिया को मार के आऊंगा। इंडिया के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गए हैं मेरा भाई? बहुत हाथ धो के पड़ गया हूँ। क्या बिगाड़ दिया इंडिया ने तेरा?
बहुत कुछ बिगाड़ दिए। कोई एक दो बातें तो बताओ ना, क्या किया इंडिया ने? वो हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल करते हैं, उनके मार कुटाई करते हैं उनके साथ। मैं उनको उधर जाऊंगा, उनको बताऊंगा मुझे मार के दिखाएं। हमारे पास 165 बम है जो एक एक मैं उठा के इंडिया को मारूं। वाह, इतनी नफरत इंडिया से? जी, इतने छोटे से दिमाग में? जी, इंडिया के नीचे या अमेरिका के नीचे जितना हम लोगों ने रहना था रह लिया, ठीक है। अब आइंदा हम इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे, इसराइल के नीचे से भी निकलेंगे, इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे। आइंदा जो हमारा रिलेशनशिप होगा वो या चीन के साथ या रूस के साथ? नहीं तो वो किस तरीके से बेहतर होगा? मतलब ये है कि आपको लगता है कि वो इकॉनमी का दौर चल रहा है? मैंने पहले बात की है कि जैसे उनके आपस में कन्फ्लिक्ट हुए हैं, कोई कंट्रीज उनके साथ, कोई उनके साथ, इंटरनेशनल लेवल पे देखें इस टाइम नाम है इंडिया का, आप इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं? समझ रहा हूँ, बुनियादी चीज़ है कि हर चीज़ अपने वक्त पर अच्छी लगती है। ऐसे ही है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले हमें ओपन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जिस तरफ हम जा रहे हैं ना, हाँ, बढ़ रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो दिन करीब है, हाँ, कि जब ये मुश्किलें टलने वाली हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं खुद एज ए पाकिस्तानी यही चाहता हूँ कि मुश्किल वक्त टले, जल्द से जल्द खत्म हो और अच्छे दिन आए। लेकिन मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आप कितना मतलब 5 साल 2 साल कितने टाइम में हमें अच्छी खबरें आने लगेंगी आपके ख्याल से? मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये जो अगला साल है ना, नया साल 2024, इसमें वो शेर बबर आ रहा है, ठीक हो गया इंशाअल्लाह ताला, और इस मुल्क को उठाएगा, ठीक है। रिलेशन भी बेहतर करेंगे नेबर के साथ या नहीं करेंगे, चाहे इंडिया के साथ? उनके आने से हर चीज बेहतर होगी, क्योंकि वो सबसे पहले कहता है पाकिस्तान, ठीक है। तो जो बंदा कहता है ना सबसे पहले पाकिस्तान, वो किसी के साथ भी ताल्लुक रखेगा तो पहले पाकिस्तान को मद्देनजर रखेगा, फिर वो ताल्लुकात बनाएगा किसी से भी। यानी ये नौजवान ये जो सुन रहे हैं हमें बड़ी तादाद में, ये हौसला रखें, उम्मीद रखें आपके कहने के ऊपर इंशाअल्लाह ताला, इनको हौसला रखना चाहिए। भाई जान, उम्मीद है आप लोगों को कि आने वाला टाइम बेहतरी का या कोई नहीं? ओवरऑल वो कह रहे हैं कि कोई भी आए पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। आप सियासी बात कर रहे हैं जी, जी। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, मियां साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, मियां साहब से उम्मीद है, मियां साहब से उम्मीद है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, आप लोगों ने देखा कि जो हमारे पड़ोसी पाकिस्तानी है वो क्या कुछ सीख रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं। देखिए जब वो बोलते हैं ना जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे, तो भाई जैसा उनके दिमाग में खार बीज दवाइयां कीटनाशक जो को डाला जा रहा है भाई वही तो वो फसल दे रहे हैं। उनकी क्या गलती है जो हम पाकिस्तानियों को पूछते रहते हैं पाकिस्तान भारत के खिलाफ ऐसा बोलता है? अब देखिए स्टार्टिंग में जो शैला जी पूछ रही थी कितनी मुश्किल हो रही थी बेचारे को, उससे ज्यादा मुश्किल शैला जी को हो रही थी। यानी कि जब उनसे भारत एक नारी के बारे में पूछा जाता तो भाई मदरसे के अंदर तो उनको यही सिखाया जाता कि जो एक नारी है उसको कैसे क्या रखा जाता है इस्लाम के अंदर, तो इस्लामी की बात करेंगे। तो पाकिस्तान में भाई मदरसों में इनके पेरेंट्स हैं तो यही सिखाते कि जिहाद करना है, भारत पर आक्रमण करना है, भारत पर घुसपैठ करनी है, कश्मीर पर जुल्म हो रहे हैं, मुसलमानों को उनके हकूक नहीं मिल रहे हैं, इन चीज़ों से अलग कुछ भी पाकिस्तान में सिखाया नहीं जाता। तो फिर भाई वो बच्चे तो बेचारे यही बोलेंगे ना, वो तो मासूम है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो आप लोग भाई इनको प्यार दें, प्यार देने का मतलब है इन पर तरस खाएं, क्योंकि भाई जैसा देश वैसा भेष। आप लोग क्या रहे, जय श्री राम।